पास इस टाइम मत आओ, ठीक है? स्पेशली बब्जी के, क्योंकि इस टाइम मेल हॉर्मोन्स ना इनके दिमाग में चढ़े हुए होते हैं। आ जा, मैं ये तेरा ब्लॉग सब बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल जाएगी सीधा, ठीक है? शिवाय की पेरेंट टीचर मीटिंग बहुत अच्छी रही, शिवाय को काफी अप्रिशिएट किया मैडम ने। बाला, 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 तोड़ देगा तू मामू की शादी के चक्कर में। मामू की शादी में जाएगा ये राहुल? अमेरिका जाएंगे ना, तो यार तुम मुझे वो दिला दो कि एप्पल वॉच। हाँ, है तुम्हारे पैसे। क्या हुआ? चुप रहो। और मन्नी है थोड़ी उदास, और अब मैं पूरा टाइम उसको दूंगा अपना। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन योर फेवरेट चैनल नमितोलॉजी। मैं नमिता आपका स्वागत करती हूँ, और मेरे साथ है यहाँ पे राहुल कोहली, और मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। राहुल, हम जा रहे हैं शिवाय की फाइनली रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। रिपोर्ट कार्ड नहीं, बेसिकली अब रिपोर्ट कार्ड ही है, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ रही है 2 महीने की, समर हॉलीडेज, और उससे पहले रखी है एक पेरेंट टीचर मीटिंग। पब्लिक नहीं, पेरेंट टीचर। अरे मैं तो पीटीएम का फुल फॉर्म भी नहीं पता। अरे मैं कुछ और बोल रहा था, तूने मेरी बात काट दी। चल कुछ नहीं होता, वो बीबी का काम है। और जब भी मेरी पीटीएम होती थी तो शिवाय का स्कूल जो है वो मेरा भी वही स्कूल था। हम सेम स्कूल के होने वाले हैं, आगे जे का भी वही होने वाला है आगे। तो मेरी तो हमेशा अच्छी रिपोर्ट आती थी, टीचर्स मेरी हमेशा तारीफ करती थी, आई वॉज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड, ब्राइट स्टूडेंट। और तुम्हारी हमेशा मेरी तारीफ नहीं होती थी, मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था जब पेरेंट्स आते थे। तो इसके सामने बात मत करो नहीं तो ये पागल है, ऐसी मजाक कर रहा हूँ। I was a very normal guy, जिसके 60-70% आए तो he be very happy and he was very happy। तो गाइज आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो आप लोगों की हालत टाइट हो जाती थी कि यार मम्मी पापा स्कूल जाएंगे, शिकायतें आएंगी, या फिर आप मेरी तरह कॉन्फिडेंट चाइल्ड होते थे कि यार शुक्र है पेरेंट टीचर मीटिंग आई है, अब मेरे मम्मी पापा को मेरी तारीफ की जाएगी। मैं और या तो फिर आप मेरी तरह थे कि जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि गालियां भी पड़े तो नहीं होता, ये तो एक फॉर्मेलिटी, ये तो निकल ही जाएगा। न्यूट्रल, तो आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं हमने। तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हम देखना चाहते हैं कि आजकल के बच्चे किस किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। पापा आइसक्रीम भैया खा रहे हैं, तुझे क्या करना, दूध पीना। पापा जी। तो राहुल सबको बता दो शिवाय की पेरेंट टीचर मीटिंग कैसी रही। शिवाय की पेरेंट टीचर मीटिंग बहुत अच्छी रही, शिवाय को काफ़ी अप्रिशिएट किया मैडम ने इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, क्योंकि दूसरे दिन ही हमें कंप्लेंट आ गई थी कि आपका बच्चा ना सुन नहीं रहा है हमारी बात, पर अब ये सुन रहा है। और आप सब लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खुशखबरी है, बड़ी मुश्किल से हम दोनों सोशल मीडिया से ना थोड़ा सा दूर रहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं शेयर करते, पर अब हम व्लॉग्स करना शुरू किया है। तो आप सब की इतनी रिक्वेस्ट है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स के अंदर, कि फाइनली मैंने मैडम का, मतलब नमिता जिसकी नमितोलॉजी है, उसका एक पर्सनल अकाउंट इंस्टाग्राम का बना दिया। उसका लिंक आपको नीचे आ रहा होगा, nmitology_mom, नमिता nmitology_mom। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो जो जो हमें प्यार करता है उधर जाइए, वहाँ पे वो कंटेंट रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये कंटेंट एक्सक्लूसिवली हमारे फैमिली के लिए, जो आप इतना प्यार हमें कमेंट्स में देते हैं उसके लिए। और ये पीछे से जो मेरी बात डिस्टर्ब कर रहा है वो हमारा छोटा बेटा जे है। जे देखो लड़ पड़े। अरे यार तुम कितना लड़ते हो है, गंदी बात। शिवाय अपने आप को हर्ट नहीं करते, शिवाय इतना सीधा है, अपना हाथ काटता रहता है, किसी और को नहीं मारता। तो ये मन्नी का हमने अकाउंट बनाया है अभी 10 मिनट पहले, ठीक है? तो आपको न्यू दिख रहा होगा ये, और इसके ऊपर 16 फॉलोअर्स हो गए हैं। और प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो जितना आप सपोर्ट दे सकते हैं उतना ही हमारे लिए कम ही होगा, और बस देखते हैं इस जर्नी में आप हमारा कितना साथ देते हैं। एंड थैंक यू, मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मेरा पति मेरी प्रमोशन कर रहा है, आई एम सो ब्लेस्ड। ये देखो ये जे को जबरदस्ती लेके जा रही है पीछे, क्योंकि ये भाई साहब रुक ही नहीं रहे। जे सबको ये बता दे कि तू मामू की शादी में कौन से गाने पे डांस कर, वो देना जय कर जय, वेरी गुड। जेजू मामू की शादी में कौन से सॉन्ग पे डांस करोगे? बाला। कौन से सॉन्ग पे डांस करेगा? बाला करके दिखा दे सबको, आपकी भी परफॉर्मेंस है ना मामू की शादी पे। अरे 2 दिन ठीक है, ये अंडरवेयर में क्यों बिठाया हुआ इसको? बाला बाला।
बाला 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 बाला, ये बिल्कुल राहुल देखो अक्षय कुमार जैसे बाला में नीचे नहीं एकदम करके बैठता है, ऐसे करके हवा भी चलती है पीछे से, वैसे ही बैठ बाला 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 शैतान कसाला बाला बाला रब ने है बाला सब कहे मुझे शैतान कसाला शैतान का साला। आपकी तो कोई बहन है ही नहीं तो फिर आपका जीजू भी नहीं बनेगा तो फिर आप कैसे शैतान के साले हुए। तो गाइस जेजू शैतान का साला इस हिसाब से हुआ कि जेजू की बहन है लेडी ओली और लेडी ओली का हस्बैंड है बब्जी, तो बब्जी है शैतान, तो जेजू क्या हुआ शैतान का साला है ना जेजू। बाला 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 तोड़ देगा तू मामू की शादी के चक्कर में, मामू की शादी में जाएगा, जाना है मामू की शादी में, तोड़ देगा सब कहे इसे शैतान का साला। एक काम करो सबको जय जय करो, जय बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय हनुमान जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, वेरी गुड। शिवाय कोहली आपके हैंड में क्या है, मम्मा को दो, गिव मी, दे दो, भाग क्या मम्मा, पापा कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं, नौमी दीदी कहाँ हैं, मम्मा कहाँ हैं, मम्मा कहाँ हैं, पापा क्या कर रहा है मेरे नेल्स पे तोड़ेगा, पापा 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 हेलो पापा बाय बाय पापा बाय बाय। हाँ क्या कह रहे हैं पापा, क्या कह रहे हैं, क्या पापा, मम्मा है, हाँ पापा जो, हाँ बोलो क्या कह रहे हो, बीबी तो बीबी तो पापा पाय मम्मा ये पापा पे पापा ताय। क्या हुआ है, हाँ इधर सुन ले क्या हुआ है, मैं जा रहा हूँ, रिमोट रख दिया ना फिर अंदर, मार खानी है तुम्हें, जोई कहाँ है, इसकी ड्रेसिंग सेंस देखिए कितनी गंदी है, बिल्कुल तुम पे ही है ड्रेसिंग सेंस, हाँ हाँ देखना किस बार पे नाच रहा है, इता, इता, इता। इसको किसी ड्रामा कंपनी में एनरोल करा दो ना, हर वक्त सिर्फ एक्टिंग के करता है, अच्छा होता 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 नहीं, झूमे जो पठान वाला स्टेप कर रहा है, पठान वाला कौन सा सॉन्ग कर रहा है, कौन सा डांस कर रहे हो आप, बाला या होता होता होता, प्यार होता 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 कई बार है, कहाँ जा रहा है शूज लेके, ओ मेरा जेजू के पापा क्या कर ले हो, अरे जोई अभी भी अंदर सुसु कर रही है, जोई तू बहुत गंदी है, हैं तेरे को सिखा रहे हैं, तेरे को बात एक बारी में समझ नहीं आती है, जोई अब भाग गई है बाहर, जो ये देखो तुम्हारी दाढ़ी खाने की कोशिश की है ना इसने, क्या करती है तू, जो खा ले इस आदमी की दाढ़ी खा ले, चिट्टी दाढ़ी खा ले चिट्टी, ये क्या कर रहे हो तुम, कैसी है ये, किसने ये आए हैं यहाँ पे पराठे हैं, क्या हुआ है, लाड चाहिए, आजा, अच्छा हाय हेलो कर दे, काटी नहीं खानी, हेलो करो, हेलो करो, हेलो हेलो हेलो, आजा, ओए बेटा बेटा हाई फाइव, क्या हुआ है, कर दे हाई फाइव, अच्छा जोई को कर हाई फाइव, ये जोई वेट होल्ड ऑन, है काटी खाती है, हाई फाइव कर 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 हाई फाइव, क्लैपिंग नहीं हाई फाइव, ये कैसे कर रही है, हाई फाइव कर दे जोई को, मेरा हाई फाइव, राहुल इसके ये देखिए कितने सॉफ्ट है, ऐसे लग रहा है जैसे जो सोफे पे कपड़ा नहीं बिछता लेदर या वो वाला जैसे स्वेड का कपड़ा होता है बिल्कुल वैसे लेदर, लेदर अभी ये ज्यादा रोड पे नहीं जाती ना तो इसमें गंदगी नहीं है, नहीं तो लेडी ओली के पहले कितने स्मूथ होते थे, अब तो लेडी ओली का ऐसे होता है क्रैक क्रीम लगा उसके ऊपर फटे हुए पैर है इसके, देखो कितने ऐसे लग रहे हैं जैसे तो कोई गुड्डा उठा के लाई हूं मैं, देखो कितने सुंदर है ना, सोने सोने, देखो ये वाला कितना बड़ा है, मेरी घड़ी खा रही है यार देखना, ये राहुल अमेरिका जाएंगे ना तो यार तुम मुझे वो दिला दो कि एप्पल वॉच, हाँ है तुम्हारे पैसे, ओली नहीं है, और लोगों का क्वेश्चन था कि तुम अमेरिका जा रहे हो, हाँ तो बब्जी ओली और जोई का ध्यान कौन रखेगा, तो गाइस बब्जी ओली और जोई जो है वो यहीं पे रहेंगे, ये उनका घर है ठीक है, तो क्योंकि ये लोग नहीं जा सकते अमेरिका, हम ले भी जाते लेकिन फ्लाइट इज वेरी लॉन्ग, पासपोर्ट वीजा अभी अरेंज करना पॉसिबल नहीं होगा, हमें खुद शॉर्ट नोटिस में पता चला है
कि लड़के ने चट मंगनी पट ब्याह कर लिया है। तो यहाँ पे इनका ध्यान रखने के लिए नंबर वन नोमी दीदी, उनसे बड़ा सपोर्ट तो कोई है ही नहीं, तो वो रखेंगी पूरा उनके खाने पीने का ध्यान और उनकी बाकी नीड्स का ध्यान। सेकेंड इनका ध्यान रखेगा मनीष, वो इनकी पूरी केयर करेगा, इनका वॉक पे ले जाना, इनको फ्री कराना, टॉयलेट वगैरह सब वो देखेगा। थर्ड हमारे पास हर जगह हमारे घर में सीसीटीवी कैमरा एनेबल्ड है, तो इनकी फुटेज और इनका सारा जो भी ये कर रहे होंगे हमें लाइव दिखता रहेगा, और वो टू वे कैमरा, उससे हम बोल भी सकते हैं, उससे आवाज़ भी आती है, तो हमेशा ये लोग हमारी सुपरविजन में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, राहुल के मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर जी, तो मम्मी पापा जो है वो हमारे साथ रहते ही आपको पता ही है, और वो इनका पूरा ध्यान रखेंगे, और ये लोग शुरू से ही दादा दादी के साथ कंफर्टेबल रहे हैं। लेडी ऑली और बब्जी तो बिल्कुल ही दादा दादी दादी के साथ रहे हैं, उनके कमरों तक में सोए हैं, ये थोड़ा दादा दादी के साथ इतना एडजस्ट अभी नहीं है, लेकिन ये अभी न्यू पेट है, अभी बेबी है, तो ये बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेगी। तो दादा दादी पूरे टाइम सुपरविजन के लिए रहेंगे, लेडी ऑली और बब्जी और जोई की, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ वो लोग व्लॉग में आएंगे नहीं आएंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना मिथोलॉजी व्लॉग में लेडी ऑली बब्जी और जोई ना आए, हम लोग कहीं भी चले जाए ना तो वो लोग तो आएंगे ही आएंगे व्लॉग में। उनकी फुटेज यहाँ का जो भी व्लॉग होगा वो दादा दादी मनीष नोमी दीदी सब लोग कवर करेंगे, और उनके अपडेट्स भी आपको आएंगे, और बल्कि और मजा आएगा कि जब वो हमारे साथ नहीं होते तब उनका रिएक्शन और बिहेवियर कैसा होता है, तो मजा आने वाला है, आपको दोनों तरफ के व्लॉग्स मिलेंगे, यहाँ के भी और अमेरिका में शादी के भी। क्या हो गया, ऐसे क्यों खड़ी हुई है, ओला ऐसे क्यों खड़े हो, क्या हो गया बच्चे को, जी मैडम हाय बब्जी, मूड कैसा है अब तेरा, तू जो चाहता था वो मिल गया ना तेरे को, चलो बता उसको हीट स्ट्रोक आ सकता है, इतनी गर्मी है यहाँ पे, या तो यहाँ पे कर दो एटलीस्ट, ओ हमें भी हीट स्ट्रोक कर सकता है, मतलब हम भी कर देता है, ये भी कर रहा था, पानी डालने आया ना, गुस्सा कर रहा है बब्जी, पर इसको तो आज खुश होना चाहिए, क्या हुआ बब्बे गुस्सा क्यों है इतना, इसको बाल्टी दियो, मेरे को तो कमजोर लग रहा है लड़का आज, ये पीछे क्यों भागी जा रहे लेडी ऑली के, मीटिंग तो कर ली है, तो इसको तो हैप्पी होना चाहिए ना कायदे से, तो यहाँ पे हो रही है दोनों की आई साफ एज अ रूटीन एक्टिविटी, इधर आ बब्बे, ये ले ये पकड़, पानी पी इधर, ये ले, क्या हुआ बब्जू, मैं तो दूर ही रहूं वैसे, है ना, मेरी तो भलाई ही नहीं है, जल्दी इनिशियली ना इसके पास मत जा, वो देख वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये इनका बेसिक नेचर होता है, तू तो स्पेशली दूर हो जा, क्यों क्यों क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहा है। बब्जी तू ओला के साथ इतना इंटिमिडेटिंग क्यों हो गया, हम लोगों को तो आने ही दे रहा उसके पास, अभी आने की जरूरत भी नहीं है, और आज ओला भी इसकी दासी बनी बैठी है, ऐसे पता नहीं क्या ही हो रहा हो, बब्बे कम आजा, गाइज आज आपको बब्जी का थोड़ा सा डिफरेंट नेचर दिखने को मिल रहा है, जनरली ये बहुत स्वीट होता है, आज कुछ ज्यादा ही पजेसिव सा हुआ पड़ा है फॉर लेडी ऑली, जस्ट बिकॉज लेडी ऑली अपने हीट पीरियड पे है इसीलिए, इट्स बेटर और रेकमेंडेड ये है कि इनके पास इस टाइम मत आओ, ठीक है, स्पेशली बब्जी के, क्योंकि इस टाइम मेल हॉर्मोन्स ना इनके दिमाग में चढ़े हुए होते हैं, ठीक है, तो सबसे बेस्ट है दूर रहो, एक बार इंटरकोर्स हो चुका है इनका, ठीक है, और वो आप देख भी चुके होंगे वीडियो में, तो अभी इवेंचुअली दो तीन दिन इनको रहने दो, एक्सरसाइज कराओ, दबा के इनकी एनर्जी और ड्रेन आउट कर दो, अब रात को जब हम इनको लेके जाएंगे ना इनको तोड़ देंगे दोनों को, कि साले एक उधर बैठेगा एक इधर बैठेगा, लग तो नहीं रहा, लग तो नहीं रहा इनकी हरकतों से कि आज एक दूसरे से अलग बैठने वाले हैं, ये तो भाई छोड़ ही नहीं रहा उसको, आ जा मैं ये तेरा ब्लॉग सब बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल जाएगी सीधा, ठीक है, इतने पोसेसिव तो तुम भी नहीं हो मेरे लिए जितना ये अपनी बंदी के लिए, तो कुत्ता ही बन जाता हूँ। पॉटी कर रहा है।
तो ना शिवाय ना छुप के पॉटी कर रहा है, बिना शिवाय ना छुप के पॉटी कर रहा, पता नहीं क्या कर रहा है, और जोही ना पीछे उसकी ऐस को ना सूंघ रही है, कैसी पागल लड़की है। और जेजू सो गया आज, सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया, 9 बजे सो गए तो। तुम तो मेरे से बात मत करो राहुल, मुझे बाबा तो मैं शर्म नहीं है थोड़ी सी भी। क्यों? मैं मुझे अकेला छोड़ के बच्चों के साथ है, तुम लोग तुम बास्केटबॉल खेलने चले गए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? मैं हफ्ते में 2 बार जाता हूँ, तेरे को उसमें ही प्रॉब्लम है? 2 बार जाओ या 10 बार जाओ, लेकिन तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अपने बच्चों की तरफ। मेरे को अकेला उनके साथ छोड़ के फंसा के चले जाते हो, मेरा यही काम है सुसु पॉटी दिन भर साफ करना। क्या हुआ? चुप रहो। क्या हुआ, तू क्या कर रहा है रात को? तूने पॉटी कैसे की है? छुप के क्यों करता है? टॉयलेट क्यों नहीं जाता? हम ट्रेनिंग दे रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहा। और मन्नी है थोड़ी उदास, और अब मैं पूरा टाइम उसको दूंगा अपना। मन्नी कर रही है डाइटिंग अपने भाई की शादी के लिए, और उस चक्कर में उसको ना एसिडिटी के चक्कर में उसका दिमाग खराब हुआ है, वो लड़ने के मूड में। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूं, नहीं तो आज कैमरा मेरे सिर पे ही बजेगा। और अभी इसको कुछ खिला के मनाता हूं, और इसी के साथ रात के बज गए हैं 9:30, और हम आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बने रहिए।